तो ओवैसी जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि बीजेपी हिजाब से नफरत करती है, यही नहीं रुके, लव जिहाद पर भी हमलावर थे ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बताए कहां हुआ लव जिहाद, मैं कहता हूं इश्क के मामले में मत पड़ो, लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े बताओ कहां हो रहा। अलग धर्म के साथ शादी करे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से बरगला कर या झूठे वादे करके, जो लोग पहले से विवाहित है या जो लोग अलग आइडेंटिटी तैयार करके और उनके साथ जिस प्रकार से ये व्यवहार हो रहा है, तो इससे साफ झलकता है कि लॉ जिहाद जिसको कहा गया है, ऐसे इंसिडेंसेस बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहे हैं और इसलिए राज्य सरकार इसके बारे में सजग है। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इसके ऊपर कानून बनाने का विचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा, आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई इनू माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप।